लुधियाणा के शिवलापुरी दे विच पैंदे न्यू जनता नगर इलाके दे विच क्वार्टरां दे विच रहण वाले प्रवासी परिवार की 19 सालां दी व्याहुता दी मौत दा मामला सामने आया है। कतल दी घटना तो बाद इलाके दे विच सनसनी फैल चुकी है। घटना स्थान दे उत्ते पहुंची पुलिस दा कहना है कि ओह मामले दी जांच पड़ताल कर रहे ने अते उन्होंने लाश नूं कब्जे दे विच लै लिया है। मौके उत्तों ही पुलिस नूं घटना वेले इस्तेमाल कीता गया चाकू भी बरामद होया है। फिलहाल दस दिए कि दोषी घटना नूं अंजाम दे के मौके तो फरार दस्सिया जा रहा है ते पुलिस दा कहना है कि ओह जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल कतल किन्हां कारणां दे करके कीता है इह अजे सामने नहीं आ सकिया है। लुधियाणा तो आज दी आवाज़ दे लई राजी विक्की दी रिपोर्ट। कानून देवी कानून जी, क्या हुआ आपके साथ, आज क्या बात हुई है बेटी के साथ? आप यही बात हुआ, जब मेरे छठ पूजा का त्योहार था। अच्छा। तो वो बंदा आने लेने आए हैं, बोले छठ पूजा देखकर मैं लेकर चला जाऊंगा। तो वो सुबह आए करीब 3-4 बजे, तो मेरे लड़की को बोले जो तुम गेट खोलो। तो लड़की ने गेट खोल दिया, जद गेट खुला तद ही छुरा मार दिया, तीन चार छुरे मारे हैं, उससे लग गए ही वहाँ पर वो गिर गए। तो हम लोग जाके चिल्लाने लगे जे कहाँ क्या है क्या है, तले वो लड़का गेट खोल कर भाग गए। कौन था वो लड़का? वो जमाई था मेरा। क्या बात हुई उनके साथ जो उसे मारने के लिए? ये तो मेरे कहीं पता नहीं है यार, जो क्या हुआ वो लोग मैंने किया ये नहीं पता मुझे। उसने कभी बताया नहीं मेरे साथ लड़की के साथ? आपकी लड़की ने कभी बताया आपको कि मेरे साथ लड़ता है या कुछ ऐसे? हाँ, जब उसको घर में था ना बिहार में, तब वहाँ से कुछ लड़ाई हुआ था। तो वो ही बोले हैं जे तू अपने मायके चला जा। तो हमारे घर वाले जाके लेकर आए जे 4-5 महीने बाद फिर ले जाऊँगा। तो वो जद ही आए आकर छोरा मार दिए। मौके पे मौत हो गई लड़की? हाँ जी, साथ साथ हो गए। पुलिस आई थी? यहाँ आए थे, पुलिस आए थे। उस समय तो फोन हुआ था, मतलब पुलिस लोग उठाए नहीं फोन। तब हुआ वो एम्बुलेंस को कोई बंदे ने बाहर वालों फोन किया है, तो एम्बुलेंस लाए। तो उस पर मेरे लड़की को लेकर गए, तो पता नहीं रास्ते में उसको दम टूट गया होगा। कैमरे भी लगे थे यहाँ? तो कैमरे तो लगा था ना, तो वो तो हम लोग का वो चल दी नहीं है। अब क्या इंसाफ चाहते हैं होना चाहिए आपकी बेटी के साथ, जो गिरफ्तारी होनी चाहिए जल्दी? हाँ जी, जो हमारे बेटी को ले जो लोग आप लोग का भला है वही कीजिए वो लड़का को। देखो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सी, आज सवेरे होया। एदे विच जेड़ा है एक बंदा जेड़ा अपनी घरवाली नू मिलन लई बहाने से आंदा है, और पिछे दा जेड़ा है चंपारण वेस्ट पिंड जेड़ा है वो सॉरी जो जिला है बिहार दा ओदा ये रहन वाला है। ये पता चलिया है कि जेड़ी लेडी जिसकी डेथ हुई है वो कुछ समा पहले जेड़ा इस नाल इहदे घर वालियां ते इहदे जेड़े इनलॉज नाल अनबन होण करके आई सी। पहले इन्हां दी सहमति नाल जेड़ी अपने आपस में शादी हुई सी 1 साल पहले, और पिछे जदों ये वापस आई है वो बाद भी लड़ते झगड़ते रहते। अज जिहड़ा घरवाला करीब 4:30 बजे इतने पहुँच करके उन्होंने फोन करता है, मैं छठ पूजा के संबंध में इतने पहुँचे हुए हैं तो तुम जरा दरवाज़ा खोल के मैं अलाउ करो। जिदा ही वो दरवाज़ा खोल दिए ये वालों चाकू नाल 6 वार किए जाते हैं, और वो मौके पर ही सीरीयसली उन्होंने इंजर हो जाती है। जदों तक उन्होंने सिविल अस्पताल लेके जाते हैं उस तक वो डैथ हो गई होंगी है। तो इस जो एक्यूज है उन्होंने आइडेंटिफाइड ही है, उन्होंने फड़न लिए असी कार्रवाई कर रहे हैं। वो पता चलिया है कि काफ़ी 6:30 बजे के आसपास कोई ट्रेन लेकर के इतों जोड़ा है भज गया सी, और असी जोड़ा है GRP RPF नाल तालमेल रखते हुए उन्होंने ट्रेस करन दी कोशिश में लगे हुए हैं। सर ये जो अक्यूज सी सर ये लुधियाना ही रहिंदा सी या बाहर दा ही सी? कुछ समय पहले जोड़ा है ये लुधियाना आकर के भी अपनी वाइफ नाल रहा है, उसी वेले जोड़ा है यदि जान पहचान बनी सी। फिलहाल जिहड़ा है ये पीछे चंपारण वेस्ट अपने पिंड विच रह रहा सी, और उत्थे ही जिहड़ी है अपनी विआह करके इस लेडी नूं लैके गया सी।